नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती एक ऐसी भर्ती बन गई बच्चों, जिसमें ये कह सकते हैं कि सिर्फ हवा हवाई भर्ती रही, चुनाव के पहले से ही भर्ती का टेंडर नहीं फाइनल हो पाया। आज 1.5 साल हो गए, अभी तक कोई भी कंपनी टेंडर नहीं ले पाई। अब ये टेंडर नहीं ले पाई या टेंडर नहीं मिला या भर्ती विज्ञापन ना निकालने की मंशा क्या है दोस्तों, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और जो एक न्यूज आई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 35,000 पदों पर विज्ञापन जारी, उम्र सीमा में 2 साल, इसके बारे में जानेंगे। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले पूरा माजरा समझते हैं। 2018 के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पदों पर अभी कोई भर्ती नहीं हुई है। आप सभी को पता है कि 2016 की फायरमैन की भर्ती कंप्लीट कराई गई और 2018 में भर्ती निकाली गई थी, उसके बाद कंप्लीट कराई गई। 2018 से लेकर कह सकते हैं 5 साल होने वाले हैं, अभी तक पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती नहीं आई, ठीक है। और यहां पर मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न सभाओं में कहा कि 36,000-40,000 पद पर विज्ञापन आएगा, लेकिन कंपनी का टेंडर नहीं भरा जा रहा है। एक ही कंपनी TCS, क्या पूरे भारत में एक ही कंपनी बची है TCS, जिस पर आरोप लगे UPSI भर्ती को कराने में। MP में वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, उत्तराखंड में वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, और उसी कंपनी को टेंडर के लिए दोस्तों ये कह सकते हैं ओपन टेंडर में भाग लेने के लिए उसको दोस्तों प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी बात, ये न्यूज सामने आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 35,000 पदों पर विज्ञापन, ये फेक न्यूज वायरल की जा रही है बच्चों, आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अभी कंपनी वंपनी का टेंडर फाइनल नहीं हुआ, जब तक कंपनी का टेंडर फाइनल नहीं होगा तब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा, ठीक है। और रही बात उम्र सीमा की छूट को लेकर, तो छूट तो दोस्तों ये कह सकते हैं 99% चांस है कि छूट मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 5 साल बाद भर्ती आएगी तो यहां पर आप लोगों को छूट मिलेगी। रही बात भर्ती की, तो जब तक कंपनी का टेंडर फाइनल नहीं होगा तब तक विज्ञापन नहीं आएगा, जैसी कोई अपडेट आएगा हम आपको देंगे। ये पेपर कटिंग बिल्कुल फेक है।